वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी माय नेम इज़ प्रवीण कुमार एंड वी आर डिस्कसिंग द केस लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखिए आज का हमारा जो केस लॉ है दैट इज इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन वर्सेस माधुरी चौधरी ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है एंड दट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट क्योंकि इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है So, इस केस में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है दैट इज द इंटरप्ले बिटवीन टोटियस लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी हल्का सा आपको समझना पड़ेगा पहले हम टोटियस लाइबिलिटी को समझते हैं टोर्टियस लाइबिलिटी बेसिकली ये है फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंस कि अगर मैं नेग्लिजेंट कुछ एक्ट करता हूँ उसकी वजह से जो भी मेरा नेबर है उसको अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है तो मेरे पर टोर्टियस लाइबिलिटी है क्यों क्योंकि मैं नेग्लिजेंट था सो नेग्लिजेंस इज अ टोट और नेग्लिजेंस की टोटियस लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी अगर उसको मेरी नेग्लिजेंस की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी ये एक टोर्टियस लाइबिलिटी है अब हम आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी पे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज बेसिकली जब होती है जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं तो अगर दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो देर विल बी म्यूचुअल कॉन्ट्रेक्ल ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार से गया और उससे चॉकलेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब देखिए म्यूचुअल लाइबिलिटीज उसे सौ रुपए देने हैं और उसे मुझे चॉकलेट देनी है राइट right? सो so ये एक दूसरे के प्रति जो लाइबिलिटी है उसको पैसे देने की और उससे उसको मुझे चॉकलेट देने की दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी और जो टोटिस लाइबिलिटी है वो बेसिकली है कि मेरी ड्यूटी थी कि uh, मैं मेरे को नेग्लिजेंट नहीं रहना है मुझे रीजनेबल केयर बरतनी है लेकिन मैंने रीजनेबल केयर नहीं बरती मैं नेग्लिजेंट था उसकी वजह से सामने वाले को कुछ नुकसान हो गया तो उसको अगर नुकसान हो गया तो अब मेरी टोर्टियस no, लाइबिलिटी uh, बन गई है कि मुझे उसको uh, जो है उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे यानी कि कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी राइट right? तो ये है टोटियस लाइबिलिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी डिफरेंस क्लियर है आप देखिए समझिए इस केस में क्या गया इस केस में बेसिकली दोनों लाइबिलिटीज के बीच का एक इंटरप्ले समझाया गया तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो टोटियस लाइबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंस की सो जनरली हर टोटियस लाइबिलिटी का एक डिफेंस होता है दैट डिफेंस इज नॉन फिट यानी कि अगर आपने खुद ही रिस्क को अज्यूम कर लिया है आ बैल मुझे मार अगर खुद ही रिस्क अज्यूम कर लिया है तो बाद में आप कोई कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते राइट सो फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे नेग्लिजेंस के केस में ही देखें तो अगर सामने वाले ने पहले से ही रिस्क अज्यूम कर लिया है

टोर्टियस लाइबिलिटी को हम खत्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके फॉर एग्जाम्पल इसी केस में सपोज करो मैंने झूला झूल -जुल, मैं मैं झूला जुला झुलाने वाली कंपनी हूं मैं झूला जुला झुलाता हूँ तो मैंने जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो भी झूला झूलने आएगा अगर मेरी नेग्लिजेंस की वजह से उसको चोट लग गई है तो भैया आप अपने सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार राइट आपको चोट लग जाती है तो आप खुद ही भुगतोगे मेरे से पैसे नहीं मांग सकते आप तो बेसिकली चोट उसको नहीं लगनी चाहिए ये मेरी टोर्टियस लाइबिलिटी थी लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ और उसको साफ साफ कह दिया भाई अगर तेरे को चोट भी लग जाती है यानी कि मेरी अगर टोटियस लाइबिलिटी आ भी जाती है तो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे इसको कहते हैं एग्जेम्पन क्लोजेज तो हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कई बार जो है एग्जेपन क्लोजेस देखने को मिल जाएंगे अब एग्जेम्शन क्लोजेज पे देयर इज लैंडमार्क जजमेंट ऑफ वाइट वर्सिजॉन्ट वॉरिक कंपनी 1953 ये जजमेंट बहुत साफ साफ है कि जो इस प्रकार के एग्जाम्पन क्लोज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एग्जाम्शन क्लोज डाल दिया एग्जाम्शन क्लोज से मैंने क्या किया मेरी जो जितनी भी टोटिस लाइबिलिटी बनती थी उसको मैंने एग्जेम्ट कर दिया तो जो भी ये एग्जाम्पन क्लोजेज होते हैं इनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाएगी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाएगी यानी कि अगर आपने साफ साफ लिखा है कि हाँ भैया मेरी हर प्रकार की नेग्लिजेंट जो भी लाइबिलिटी होती है उससे मेरे को कर कर दिया जाए, कर दिया जाए जाए तभी आपको एग्जेम किया जाएगा राइट सो लो पॉइंट बहुत क्लियर है टोर्टियस लाइबिलिटी को आप कॉन्ट्रैक्ट से खत्म कर सकते हो चलिए आप देखिए इस केस के मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ इस केस में बेसिकली क्या हुआ अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लो पॉइंट और डिस्कस हुआ इसको भी कर लेते हैं

मैंने उसको किसी सिर्फ दस रुपए मिल रहे हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो अनरीजनेबल है आप उसको सेटिसफाइड नहीं करा सकते मैं बाद में कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि सर ये तो बहुत अनरीजनेबल था मेरे साथ बहुत अनरीजनेबल हुआ यार अनरीजनेबल हुआ तो क्या हो गया आपने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया है ना

क्या कहते हैं वन पार्टी गेटिंग मोर इज नॉट अनरीजनेबल इस केस में कोर्ट ने सिंपल इतना कहा कि अगर एक पार्टी को ज्यादा मिल रहा है और एक पार्टी को कम मिल रहा है दैट इज नॉट अनरीजनेबल अनरीजनेबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि पार्टीज ने खुद ही वो सारी चीजें जान के सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया है राइट अब देखिए इस केस के देखते हैं फैक्ट्स इस केस में बेसिकली एक एयरप्लेन एक्सीडेंट हो गया इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन का एक एयरप्लेन का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ नेगलिजेंस से नेगलिजेंस से जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कुछ पार्टीज ने जो है उनसे एयरलाइंस से कंपनसेशन मांगी कि भैया हमारे एक्सीडेंट में हमारे परिवार के ये लोग मर गए हैं उनके बदले में आप हमारे को कंपनसेशन दो क्योंकि आपकी नेगलिजेंस की वजह से हमें नुकसान हुआ है तो आप दो बेसिकली वो टोटियस लाइबिलिटी में उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी अब देखिए इसमें क्या किया एयरलाइंस ने अपनी टिकट के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है आप जब ऑनलाइन टिकट खरीदते हो तो आप बहुत एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसने एक टर्म एंड कंडीशन दिखा दी उस एक टर्म एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ था एक उस में लिखा हुआ था कि भैया एयरलाइंस है वो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के लिए लाइबल नहीं होगी चाहे वो पायलट की नेग्लिजेंस से हुआ हो या स्टाफ की नेग्लिजेंस से हुआ हो या मशीनरी की नेग्लिजेंस से हुआ, हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेग्लिजेंस से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कंपनी लाइबल नहीं सो so, कोर्ट में यही था कि जो प्लेटिव थे उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि भैया ये जो नेग ये जो एग्जेपन क्लोज है ये बहुत ही अनरीजनेबल है और सारी की सारी टोटियल टोर्टियस लाइबिलिटी से आप जो है एग्जेपन नहीं क्लेम कर सकते और जो ये क्लोज है इसको वॉइड डिक्लेयर करा जाए तो प्लीज जो है ने ये ली उन्होंने कहा कि इस इस, इस कंडीशन को कि कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंस के लिए लाइबल नहीं होगी ये कंडीशन को वॉइड डिक्लेयर करो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती और हमें कॉम्पनसेशन दो कोर्ट ने कहा नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जेटी तो well को आप कॉन्ट्रैक्ट करके खत्म कर सकते हो तो वही उन्होंने किया है कि भैया नेग्लिजेंस के लिए हम लाइबल नहीं, तो नहीं होंगे तो जो एग्जेपन क्लोज है वो वैलिड है एग्जेपन क्लोज माने एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लोज जिससे टोर्टियस लाइबिलिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सो इट इज अ वैलिड और इस केस में जो है एयरलाइंस की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है किसी को भी कॉम्पनसेशन देने की क्यों क्योंकि जो लाइबिलिटी थी नेग्लिजेंस की वो लाइबिलिटी आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जेमशन क्लोज से खत्म कर दी सो दैट वॉज दिस केस एंड अगेन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस केस में राइट सो हैव ए वेरी नाइस डे सी यू नेक्स्ट वीक थैंक यू